टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए रिप्रोड्यूस करेंगे या मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग। एनिमल्स, एनिमल ब्रीडर्स, द ब्रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग, उसके बेसिस पे एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करा है, सीजनल ब्रीडिंग एंड सेकेंड इज द कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग या फिर ब्रीडर्स, ठीक है। ये बात समझ आई क्या बोला मैंने? टाइम के बेसिस पे एनिमल ब्रीडिंग जो होती है वो दो टाइप में डिवाइड करी है, सीजनल और दूसरी है कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग। फर्स्ट है सीजनल ब्रीडर्स या सीजनल ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडिंग कौन सी ब्रीडिंग रहेगी जिसमें एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पूरे साल में या ईयर में, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है बच्चे। क्या बोला मैंने कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए कोई ईयर में एक स्पेसिफिक टाइम आता है, सीजन आता है जो उनको फेवर करता है ब्रीड करने के लिए, मेटिंग करने के लिए, तो दैट ब्रीडिंग इज कॉल्ड द सीजनल ब्रीडिंग। समझ आ गई बात क्या बोला मैंने? सभी एनिमल्स, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सीजन उनको फेवर करता है ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि आप अर्थवॉर्म का ही देखें, तो अर्थवॉर्म जो है वो रिप्रोड्यूस, उसका नंबर ज्यादा आप कब देखते हैं, मानसून में। तो मानसून एक ऐसा सीजन है जब वो ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो सीजनल ब्रीडिंग में एग्जांपल आते हैं फ्रॉग, लिजर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स शो द सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स जो सीजनल ब्रीडिंग में आएंगे या सीजनल ब्रीडर्स में आते हैं, ठीक है। फ्रॉग का आ गया, कंडीशंस होती है मानसून में। देखिए तकरीबन क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और मानसून के टाइम, रेनी सीजन के टाइम वो सिचुएशन रहती है, वो कंडीशन रहती है जब वो मेटिंग करते हैं और अपना नंबर स्पीशीज का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज द कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स या कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग। कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग क्या है, जो एनिमल्स कॉन्टिन्यू ब्रीड कर सकते हैं थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी, जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो गए हैं उसके बाद वो अपने, जब तक वो मेच्योरिटी मतलब उसमें एजिंग नहीं होगी या सेनिसेंस नहीं होगी, तब तक वो क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करते रहेंगे। समझ आ गई बात। कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग में उन एनिमल्स की बात की गई है जिनको कोई सीजन या कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो हर टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या रहेगी, वो सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए, ठीक है बच्चे। यानी रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो हर ऐसा नहीं है कि ईयर में कोई सीजन उसको अफेक्ट कर रहा है, सीजन किसी पर्टिकुलर सीजन में वो ब्रीड करेंगे, वो पीछे फर्स्ट वाले जो टाइप बताया उसमें आएगा। इसमें ये थ्रू आउट द जितना भी वो लाइफ सर्वाइव करेंगे एजिंग को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि एजिंग में भी अगर हम बात करें ना बेटा, तो एजिंग में मेल के केस में वो एजिंग में भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। फीमेल्स में फैक्टर फेवर नहीं करते गैमेटोजेनेसिस के लिए, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद उसमें गैमेट्स बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है हमने। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसमें एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज रैबिट, माइस, कैटल, ह्यूमन, ठीक है। ये आपको आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हैं, देयर आर सो मेनी एनिमल्स व्हिच परफॉर्म द कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग, ठीक है। ह्यूमन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग जो है उसको आगे फर्दर डिवाइड करा गया है कि जो एनिमल्स कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो एनिमल्स कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वहां पे कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करने वाले में दो तरह की साइकिल चलती है, क्या बोला मैंने, जो एनिमल्स कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं उनमें भी दो तरह की साइकिल चलती है। एक साइकिल है दैट इज द मैनफ्रोस साइकिल और दूसरी साइकिल है दैट इज द ऊस्टर साइकिल। इसको ओ से भी लिख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग शो करने वाले एनिमल्स दो तरह की, मतलब या तो वो मैनफ्रोस साइकिल परफॉर्म करते होंगे या फिर वो ऊस्टर साइकिल परफॉर्म करते होंगे। आगे बात समझ, इतना क्लियर हुआ सभी को, दोनों साथ में नहीं परफॉर्म करेंगे, दोनों में से एक साइकिल परफॉर्म करेंगे, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ऊस्टर साइकिल, ठीक है बेटा। यहां पे अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है, किसमें होती है, प्राइमेट्स, ठीक है। और जो ऊस्टर साइकिल होती है वो होती है नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स लाइक डॉग, ठीक है बच्चे। तो यहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करते हैं एनिमल्स उनको प्राइमेट्स बोलते हैं और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म नहीं करते वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। यानी कि नॉन प्राइमेट्स कौन सी साइकिल परफॉर्म करेंगे, उनकी वे खुद नहीं परफॉर्म कर रहे, उनकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, उसमें वो इवेंट चल रहा है, तो दैट साइकिल इज द ऊस्टर साइकिल, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऊस्टर साइकिल में हम समझेंगे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें फोर फेजेस आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी फेजेस होते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज, सेकेंड फेज कौन सी होती है, आंचल किस चीज की हंसी आ रही है बेटा, प्रोलीफरेटिव फेज which is also called follicular phase, follicular phase, ठीक है। This is the first phase. उसके बाद second phase आती है। अगर आप लोगों को आप एक sequence में देखें, मैं इसकी sequence के according बताती हूँ। Starting की जो phase रहती है उस that is about 1 to 7 days, जिसको बोलते हैं menstrual phase। कौन सी फेज बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद नेक्स्ट डेज रहती है, जैसे हम यहां पे 1 to 7 days ले रहे हैं, कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो 8th डे से लेके 13th डे तक जो फेज आएगी दैट फेज इज द प्रोलीफेटिव फेज, प्रोलीफेटिव फेज, ठीक है, या फिर उसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फिर से आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो यहां पे ये आ गई फर्स्ट फेज, ये आ गई सेकेंड फेज, ठीक है। 13th डे तक जो चल रही है वो फॉलिकुलर फेज है और 14th डे या 14th डे के दो दिन, एक दिन आगे ले लो एक दिन पीछे ले लो, ठीक है। 14th डे में जो फेज रहती है दैट इज द ओवुलेटरी फेज, विच फेज, ओवुलेटरी फेज। और 15th डे से लेके 28th डे तक जो फेज रहेगी दैट इज द सिक्रीटरी फेज, कौन सी फेज, सिक्रीटरी फेज। तो मैंने यहां पे फोर फेजेस बताई। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स की बॉडी में होती है, फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है,
मेल प्राइमेट्स नहीं, फीमेल प्राइमेट्स, ये भी याद रखना। मेल थोड़ी परफॉर्म कर रहा है, फीमेल परफॉर्म कर रहा है, जो फोर फेजेस दिखा रहा है, जिसमें पहली फेज मेंसुरल फेज, सेकेंड फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेटिव फेज, एंड फोर्टीन्थ डे में जो बहुत ही कम दिन की रहती है, दैट इज ओवुलेटरी फेज, और उससे नेक्स्ट डेज की जो फेज रहती है, दैट इज द सिक्रीटरी फेज। ये जो फेजेस चल रही है, ठीक है बेटा, ये जो फेजेस चल रहे हैं, इनपे हॉर्मोन्स का हॉर्मोन्स इनको रेगुलेट कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट कर रही है, कई फैक्टर्स इस साइकिल को चला रहे हैं, ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। जबकि जो ऊस्टर साइकिल परफॉर्म करते हैं नॉन प्राइमेट्स, उनमें ये साइकिल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने फोर फेजेस बताई, जबकि ऊस्टर साइकिल परफॉर्म करने वाले नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, उनमें ये चारों फेजेस एब्सेंट होंगी। तो उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत कम टाइम का एक ड्यूरेशन का एक पीरियड होता है, ड्यूरेशन पीरियड एक ही चीज हुई, जिसको हीट पीरियड बोलते हैं। उसके मतलब हीट पीरियड, उसकी बॉडी से मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, कॉपुलेट करना चाह रहा है, वो मेट करना चाह रहा है, और उसका कुछ आवर्स का टाइम रहता है, अराउंड 12 to 24 hours जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो ऊस्टर साइकिल परफॉर्म करते हैं नॉन प्राइमेट्स, उनके केस में बहुत कम आवर्स का उनकी बॉडी हीट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, उसको हीट पीरियड बोलते हैं। वो हीट पीरियड एक तरह से उस कैटल के लिए वो बता रहा है कि वो मेटिंग करने के लिए रेडी है, कॉपुलेट करने के लिए रेडी है। अगर उस टाइम अगर वो कॉपुलेट करता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहेंगे, और अगर वो हीट पीरियड के मतलब इस इतने घंटे के बाद अगर वो कॉपुलेट करता है, मेट करता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। बात समझ आ गई है, इतना क्लियर हो गया। इसमें हीट पीरियड होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, फोर फेजेस होती हैं। आप ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले, फीमेल ह्यूमन बींग्स में ये फोर फेजेस चलेंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा ईसी मतलब ऊस्टर साइकिल। जो ब्लड फ्लो करता है, मतलब लास्ट के फ्यू डेज में, हम इसको लास्ट के फ्यू डेज मतलब 28th डे के बाद का ले सकते हैं, मतलब ये कि वन टू फाइव डेज क्या होता है कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्लॉट ऑफ हो जाती है, फॉल हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्लड फ्लो करेगा लास्ट के फ्यू डेज में, अराउंड 1 to 5 days, ठीक है, क्लियर हो गया। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ब्लड फ्लो करता है लास्ट के फ्यू डेज में, जबकि ऊस्टर साइकिल में कोई भी ब्लड फ्लो नहीं करेगा आउटसाइड द बॉडी। तो एंडोमेट्रियम कहां गई फिर, नॉन प्राइमेट्स के केस में, जबकि नॉन प्राइमेट्स भी प्राइमेट्स की तरह ही यंगर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे एंडोमेट्रियम का क्या होता है, तो वही चीज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ब्रेक डाउन होने से ही ब्लड का फ्लो बॉडी के बाहर जा रहा है। बात समझ आई, क्या बोला मैंने, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके स्लॉट ऑफ होने से, उसके ब्रेक डाउन होने से ही ब्लड फ्लो कर रहा है आउटसाइड द बॉडी अराउंड 1 to 5 days, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमेट्स। बट इन द केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स, जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन तो करेगी, ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रियली रीअब्सॉर्ब्ड, उसको बॉडी क्या कर लेगी, फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है,
डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है। रीअब्सॉर्प्शन मतलब दोबारा से किसी चीज को अब्सॉर्ब करना, ठीक है। तो यहां पे नॉन प्राइमेट्स के केस में जो एंडोमेट्रियम टूटेगी जरूर, ब्रेकडाउन जरूर होगी, बट उसका ये ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, उसको बॉडी क्या कर लेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी। किस केस में? नॉन प्राइमेट्स के केस में। क्लियर होगी ये बात सभी को? एंडोमेट्रियम नॉन प्राइमेट्स में फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, इसलिए उसमें वो फोर फेजेस नहीं रहती है। कौन सी फोर फेजेस? प्रोलीफेटिव फेज, कौन सी थी फिर? ओवुलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज एंड द सीक्रेटरी फेज, इसलिए वहां पे नहीं है ओएस्ट्रस साइकिल परफॉर्म करने वाले नॉन प्राइमेट्स में। क्लियर है इतना? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सेक्स अर्ज, इच्छा, ठीक है। सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करने वाले प्राइमेट्स में कोई सेक्स अर्ज जो है वो इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। बट जो ओएस्ट्रस साइकिल परफॉर्म करते हैं नॉन प्राइमेट एनिमल्स, उनमें क्या होता है, हीट पीरियड के दौरान वो उनमें सेक्स अर्ज जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। वो कॉपुलेट करना चाहते हैं, वो मेट करना चाहते हैं, हीट पीरियड में वो उनकी सेक्स अर्ज इंक्रीज करने की वजह से वो कॉपुलेट करेंगे, तो मेटिंग से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और अगर उस ड्यूरेशन में वो अगर कॉपुलेट नहीं करता है तो गैमेट एंटर नहीं करेगा, गैमेट एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जैसे काउ की बात करें, हम कुछ एनिमल्स की बात कर सकते हैं, डॉग की बात कर सकते हैं, तो उनके केस में ऐसा ही होता है, वो अपने ऑपोजिट पार्टनर को सर्च करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड। हम आपके आवाज में आ रही है, अभी आ रही है बच्चे, अभी आ रही है मेरी आवाज? शाइना, ओके। तो मैं ये बता रही हूं कि जब हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें, नॉर्मली आपने डॉग को देखा होगा, काउ को देखा होगा, तो जब उनमें वो ओएस्ट्रस साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉडी कुछ टाइम जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें एक टाइम आता है जब उनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, जिसको हीट पीरियड बोलेंगे। अगर उस पीरियड में वो ऑपोजिट पार्टनर को सर्च करता है, ठीक है, कई तरह के उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं उस टाइम। कौ अलग तरह से बिहेव करती है हीट पीरियड में। डॉग जो है, फीमेल डॉग या मेल डॉग, देखिए फीमेल डॉग की बात करेंगे तो वो अपना ऑपोजिट पार्टनर सर्च करता है ड्यूरिंग दैट हीट पीरियड, सो दैट दे कॉपुलेट, एंड आफ्टर द कॉपुलेशन वो आगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, ठीक है। बात समझ आ रही है? प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करते हैं और नॉन प्राइमेट्स जो है वो ओएस्ट्रस साइकिल परफॉर्म करेंगे। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब एक और बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल जो है वो कॉपुलेट नहीं करती है, ठीक है। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। बेटिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फोर फेजेस आ रही हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फोर फेजेस आ रही हैं, जिनमें सबसे पहली फेज मैंने 1 to 5 डेज की कौन सी बताई थी, मेंस्ट्रुअल फेज ना, मेंस्ट्रुअल फेज बताई थी। तो वो उस पीरियड में फीमेल पार्टनर कॉपुलेट नहीं कर सकती, ठीक है बच्चे। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन या फिर मेटिंग नहीं कर सकती उन 5 दिनों में, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? तो मेंस्ट्रुअल फेज में वो कॉपुलेट नहीं करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहां पॉइंट आ रहा है, जबकि ओएस्ट्रस साइकिल में वही पीरियड है कॉपुलेशन का, ठीक है।
क्या बोला मैंने, ईस्टर साइकिल में तो वो ही पीरियड है जिसमें वो अगर पॉपुलेट करती है तभी वो गैमेटोजेनेस सॉरी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर वो हीट पीरियड के बाद अगर कॉपुलेट करती है तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि वो हीट पीरियड ही फेवर कर रहा है उस एनिमल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। ओके, इज दैट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लांट्स का भी लेके चलो और एनिमल्स का भी लेके चलो, हाई प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, गैमेट्स का बनना। ठीक है बच्चे, गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, कहां बन रहे हैं गैमेट्स, मेल और फीमेल बॉडी में। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहां पे होगा, मेल और फीमेल की बॉडी में। ठीक है, उसके सेक्स ऑर्गन्स में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फीमेल की बॉडी में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ठीक है, और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई भी थी। ठीक है, अब जब गैमेट्स बन जाते हैं, क्या होता है जब गैमेट्स बन जाते हैं, वेट अ मिनट, जब गैमेट्स बन जाते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ही होगा ना, कौन सी पॉलिनेशन भाई, पॉलिनेशन होना तो जरूरी है, चाहे बायसेक्सुअल फ्लावर है चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पॉलिनेशन तो होगी ना। व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। चाहे एक बायसेक्सुअल फ्लावर है चाहे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, पर पहले मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूं कि इवेंट क्या रहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला पॉइंट, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब प्री से पहले क्या हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेल पार्ट में बन रहा है गैमेट, फीमेल पार्ट में बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रही है। फिर उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होना। ठीक है, गैमेट एक मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर के पास जा रहा है, तो दैट इज गैमेट ट्रांसफर। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू होगा, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वो क्या करेंगे, एनिमल्स में वो क्या कर रहे हैं, कॉपुलेट कर रहे हैं, कॉपुलेट मींस मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तभी गैमेट्स ट्रांसफर हो पाएंगे ना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, गैमेट ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज अ सेकेंड इवेंट। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होती है, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर। जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो बॉडी से बाहर एग फर्टिलाइज हो रहा है मेल गैमेट से के साथ, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इवेंट। नाउ द थर्ड इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, जायगॉट बन रहा है, और जायगॉट फिर एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? और फिर एम्ब्रियो किसमें चेंज होगा,
अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स फीटस में चेंज होगा, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दैट एम्ब्रियो चेंज इनटू सीड। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे जो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें बात की है गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, किसकी बात की है? गैमेटोजेनेसिस की। मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमने प्लांट्स पे करना है कि कैसे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। यहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी आपको, क्योंकि हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और एनिमल्स का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे गैमेटोजेनेसिस की कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओविजेनेसिस होती है। तो थोड़ा सा आप गैमेटोजेनेसिस में ये आइडिया लगाओ कि गैमेटोजेनेसिस में जेनेसिस का मतलब जनरेट होना या फिर प्रोड्यूस होना, गैमेट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, गैमेट भी एक सेल है। ठीक है, यहां पे दो तरह के सेल, स्पर्म और दूसरा आ गया एग। ठीक है, स्पर्म बनेगा मेल के अंदर, मेल के सेक्स ऑर्गन्स में, और एग बनेगा फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है, अब हम अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जहां पे एग की प्रोडक्शन होती है वो क्या है? ओवरी। और अगर हम फीमेल सॉरी मेल की बात करें तो कहां पे बनता है स्पर्म? कहां बनता है? टेस्टिस में। ठीक है, पेयर में होती है, दोनों पता है आप लोगों को। तो यहां पे ये जो प्रोसेस है ये गैमेटोजेनेसिस का है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के लिए कई चीजें फेवर करती हैं, कई फैक्टर्स फेवर करते हैं, जिनमें से हार्मोन एक मेन फैक्टर है जो गैमेटोजेनेसिस करवाएगा। ये चीज क्लियर होगी सभी को? गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब अलग अलग बॉडी में हो गया, ठीक है, मेल पार्टनर ने गैमेट्स बना लिए, फीमेल पार्टनर ने गैमेट्स बना दिए, अब दोनों गैमेट्स आपस में क्लोज कैसे आए अगर वो मेल यानी कि वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है? यहां पे दो चीजें आपने समझनी है जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, पर फिर भी एक बार सुन लो अच्छे से कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होगा जिसमें दोनों पार्ट्स यानी मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन एंड सेकेंड वन इज द कार्पल या फिर पिस्टल, दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। ठीक है, यहां पे मैं इसको रफली एक ड्रॉ कर देती हूं डायग्राम को, हिबिस्कस की बात कर लो। ठीक है, यहां पे आ गया एंथर, ये स्टेमन आ गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी इसके बाहर की तरफ रहेंगे नॉन एसेंशियल पार्ट या एक्सेसरी पार्ट जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर बनाया मैंने जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, इस मेल पार्ट में, मेल पार्ट के एंथर ने क्या करा? पोलन ग्रेन्स बनाए। पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट्स बना रहे हैं ना बेटा, मेल गैमेट ही है ना पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर जाने के लिए पॉलिनेटर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, मतलब फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर्स नहीं बोले, क्योंकि अगर पॉलिनेटर तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ बायोटिक ही पॉलिनेटर्स होते हैं, नॉन बायोटिक तो होते नहीं है। मैं फैक्टर ले लेती हूं भाई, अगर कोई बायोसेक्सुअल फ्लावर है इसके एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर जनरली तो आपको पता ही है कि मेल गैमेट ही ट्रांसफर होता है, फीमेल के पास मेल गैमेट ही जाता है जनरली। ठीक है, मेल फीमेल वाला गैमेट मेल की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, एम्ब्रियो का इवेंट है या एम्ब्रियो का बनना, वो फीमेल की बॉडी में ही होता है, मेल की बॉडी में नहीं होता। तो मेल गैमेट को ही आना पड़ेगा ना फीमेल गैमेट के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर हो रही बात बच्चे?
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, तो यहां पे अगर यहां पे फैक्टर कौन फेवर कर रहा है? विंड। पॉलिनेशन, मैंने ये चीज आपको बता दी, गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है। तो अगर एक बायसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल यानी या तो उसमें मेल पार्ट है, ठीक है, या फिर फीमेल पार्ट है, ओके, यही दो चीज रह सकती है ना। तो गैमेट को ट्रांसफर होना पड़ेगा ना फीमेल पार्ट तक आने के लिए, तो दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने दो स्टेप्स बताए, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा था गैमेट ट्रांसफर। जब किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बन जा रहे हैं तो उन गैमेट्स को अपने ऑपोजिट पार्टनर की तरफ आने के लिए किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर वो खुद कर सकता है, कैपेबल है, गैमेट को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात ना करें, प्लांट्स की बात करें, तो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन कहां पे आ रहे हैं? स्टिग्मा के ऊपर। फिर स्टिग्मा से वो मेल गैमेट कहां एंटर कर रहा है? ओवरी में। और ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो आपको ये चीज समझ आई कि फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीजें क्या हुई, गैमेट का पहले बनना और गैमेट के बनने के बाद सक्सेस, मतलब उसको सही तरह से वो गैमेट ट्रांसफर हो सके। और पॉलिनेशन ही एक ऐसा मेथड है प्लांट्स में जिसकी हेल्प से गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चाहे एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर में किसकी हेल्प से वो जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर? विंड के थ्रू भी हो सकता है। बच्चे कौन से फैक्टर फेवर करते हैं पॉलिनेशन के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक के अंदर आएंगे, ठीक है। कौन कौन होते हैं? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंड देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बट एबायोटिक फैक्टर भी तो होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें विंड और वाटर आ गया, इनकी हेल्प से भी तो पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। किन फ्लावर्स में? चाहे वो फ्लावर बायसेक्सुअल है, ठीक है, या फिर वो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है।
अपना कैमरा ऑन करें सभी सभी बच्चे अपने कैमरा ऑन करो। ओके तो मैं आपको बता रही थी, आवाज आ रही है सभी को? ओके तो मैं आपको बता रही थी कि कोई प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं, अगर वो बाइसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, ठीक है। अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उस एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, ठीक है, बात समझ आ गई है, तो दोनों कंडीशन में उसको पॉलिनेट तो करना ही है, पॉलिनेशन तो करनी पड़ेगी। और पॉलिनेशन किसकी हेल्प से करेगा वो? या तो एबायोटिक फैक्टर्स की हेल्प से या फिर बायोटिक फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इन फैक्टर्स से मतलब ये क्या कर रहा है? गैमेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो स्टेप्स बताए, पहला स्टेप है गैमेट्स का बनना, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। प्लांट्स के केस में अलग टर्म यूज करते हैं, तो जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी मैं उन टर्म्स को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। गैमेटोजेनेसिस सिंपल इतनी बात याद रखो, गैमेट्स का बनना। दूसरा, गैमेट्स जब बन गए हैं तो फिर गैमेट ट्रांसफर होते हैं, और गैमेट ट्रांसफर होते हैं प्लांट्स के केस में पॉलिनेशन की हेल्प से, चाहे वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, चाहे वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, उसमें गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड इवेंट, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इट इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेट सेल ही है, एग एक सेल ही है, स्पर्म एक सेल ही है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगॉट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। समझा चुकी हूं आपको मैं पहले, सिनगैमी की आपने टाइप्स भी पढ़ी थी। तो फर्टिलाइजेशन जो है उससे क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस किस तरह से हो सकती है। क्या फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है, या बॉडी से बाहर हो रही है, ठीक है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स की है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको पता है, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहां पे क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? फीमेल पार्टनर की बॉडी में, फीमेल पार्टनर की बॉडी में कौन एंटर करता है? मेल गैमेट, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन या फिर ड्यूरिंग द मेटिंग। तो मेल गैमेट जब फीमेल की बॉडी में एंटर कर गया, तो वहां पे फीमेल की बॉडी में भी ओवरी ने क्या बना के रखा होगा? एग। तो एग क्या है? फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो सिंगल सेल की फॉर्मेशन होगी, जिसको बोलेंगे जायगोट, जिसकी प्लॉयडी क्या हो चुकी होगी, जिसकी प्लॉयडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल समझ रहे हैं? जो रिडक्शन हुई थी गैमेट बनाने के टाइम, गैमेटोजेनेसिस जहां पे भी हो रहा है मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में,
उसके सेक्स ऑर्गन में जब हो रहा है तो वहां पे 2N से N बन रहा है ना, तो यहां पे जब 2N N गैमेट एग से, ठीक है, N नंबर इस एग से आया और N नंबर मेल गैमेट से आया, तो फिर से जायगोट में 2N बन गया है ना, ठीक है, प्लॉयडी फिर से मेंटेन हो गई। ओके, क्लियर होगी बात। तो यहां पे क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो फर्टिलाइज कहां कर रहा है, बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्जांपल आता है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और हायर एनिमल्स में मैमल्स आ गए, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एम्फीबियंस जो होते हैं, जनरली एम्फीबियंस जो है वो अपने गैमेट्स को ले करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी फीमेल फ्रॉग क्या कर रहा है, दे ले द एग आउटसाइड द बॉडी, सेम चीज मेल जो है वो अपनी बॉडी से बाहर बहुत सारे स्पर्म को रिलीज करेगा, दोनों गैमेट्स जो है वो वाटर में क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे, वाटर की हेल्प से वो स्पर्म जो है वो इजिली मूव कर पाएगा और वो एग पहुंचेगा और दोनों फ्यूज कर जाएंगे, तो दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कई एम्फीबियंस का एग्जांपल आता है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। क्लियर है? नाउ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, बट इससे पहले आप लोग एक डिफरेंस भी लिखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, आप लोग कल इसको अपनी नोटबुक में लिख के उनको बताएंगे। जो थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो थर्ड स्टेप है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जब दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जायगोट फिर आगे जब माइटोटिकली डिवाइड करता है तो उससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ये अगर जायगोट था, इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, प्लॉयडी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लॉयडी वैसे ही मेंटेन रहेगी और ये फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट्स के केस में सीड बनेगा, एम्ब्रियो के बाद का जो रिजल्ट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एम्ब्रियो कि जब पूरी तरह से फुली डेवलपमेंट हो जाती है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फीटस। तो दिस इज द लास्ट इवेंट ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एनिमल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जायगोट के डेवलपमेंट जो होती है उसके बेसिस पे एनिमल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। कुछ एनिमल्स ओविपेरस होते हैं, कुछ एनिमल्स विविपेरस होते हैं और कुछ एनिमल्स ओवोविविपेरस होते हैं। आपने दो टर्म सुनी होंगी, ओविपेरस और विविपेरस। ओवोविविपेरस भी सुना होगा आपने प्लस वन क्लास में। ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, जो वो एग ले कर रहा है बॉडी के बाहर, वो एग फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, वो एग अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। बात समझ आ गई है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं आउटसाइड द बॉडी, वो एग फर्टिलाइज भी हो सकता है, वो एग अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल ये बता दिए मैंने। दूसरा है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स रहेंगे जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ह्यूमन कॉ वगैरह आता है, ठीक है। यंग वन को प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, विविपेरस, ठीक है। उनमें एग जो है वो फर्टिलाइज होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी और वो कुछ टाइम तक, गेस्टेशन पीरियड तक उसको एग को चेंज करेगा फीटस में, ठीक है।
थैंक यू।